हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद यतिमन। केवीएस की तरफ से 3 नए रिजल्ट जारी किए गए हैं शिक्षक भर्ती के, जहां पर टीजीटी, पीजीटी और एचएम यानी हेडमास्टर के रिजल्ट जारी हुए हैं। अभी कुछ ही समय पहले की बात है, तो मैंने सोचा फटाफट से जो है वो बच्चों को लेटेस्ट अपडेट जो है वो बतानी चाहिए। जैसे ही बच्चे जो है अपने रिजल्ट देखेंगे, फाइनल रिजल्ट यानी अब जो है वो ज्वाइन करेंगे, जितने भी नाम जो है यहाँ नज़र आ रहे हैं, जैसे टीजीटी इंग्लिश में जो है इन कैंडिडेट्स के नाम आपको नज़र आ रहे हैं, रोल नंबर नज़र आ रहे हैं, कैटेगरी नज़र आ रही है, तो इन बच्चों को अब ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, बहुत बहुत जो है वो बधाई सभी को जिनके यहाँ पर नाम, रोल नंबर और इनके मार्क्स जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके से टीजीटी हिंदी का रिजल्ट आया है, मैथ्स का, टीजीटी संस्कृत का, यानी इनका रिटर्न एग्ज़ाम हुआ, इंटरव्यू हुआ, उसके बाद रिजल्ट भी आया था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, रिवाइज्ड रिजल्ट जो है वो जारी किया गया है। तो अब जो है ये फाइनल है कि ये लोग जो है वो अपने जो है अपनी पोस्ट पर जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर पीजीटी का भी आया है और हेडमास्टर का भी आया है। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है कि रिवाइज्ड मेन पैनल, मेन पैनल के लिए पोस्ट ऑफ टीजीटी इन केवीएस, ठीक है, एलडीसी 2022। दूसरा रिजल्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये है एचएम का, हेडमास्टर के पद के लिए जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, रिटर्न एग्ज़ाम दिया, इंटरव्यू, इतना जो है आप सोचिए कि इतनी मेहनत करके जो है वो इंटरव्यू फाइट करके और उसके बाद जो है इन्होंने इतना स्कोर बनाया। थर्ड जो रिज़ल्ट है वह पोस्ट ऑफ पीजीटी के लिए था थ्रू एलडीसी 2022। एलडीसी का मतलब क्या है कि जो केंद्रीय विद्यालय में अध्यापक ऑलरेडी थे, उन्होंने अपने प्रमोशन के लिए एग्ज़ाम दिया था, रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर किया, उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसके बाद उनका रिजल्ट आया। ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम थी मैंने आपको बताया, तो अब जो है इनका रिवाइज्ड जो है रिजल्ट आया है, तो अब ये ज्वाइन कर सकते हैं। डेट देखिए 5/7/2023, यानी अभी कुछ ही समय पहले की बात है। ठीक है, तो कैंडिडेट के जो है वो आपको नाम जो नज़र आ रहे हैं, इन्होंने जो अप्लाई किया था पीजीटी के लिए और अब जो है इनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, तो इनको अगेन बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। तो मैं आप लोगों को केंद्रीय विद्यालय संगठन की मेन साइट पर लेकर चलती हूँ, जहाँ की 3 जो नई अपडेट रिजल्ट से संबंधित है वो आप देख सकते हो यहाँ पर। वैसे तो यहाँ पर 4-5 लेटेस्ट अपडेट आई, लेकिन आपके काम की बस यही थी कि टीजीटी के लिए, एचएम के लिए और पीजीटी के लिए जो रिवाइज्ड मेन पैनल जो रिजल्ट जारी हुआ है वो आपको देखना है। ठीक है, तो ये तीनों जो चीज़ें हैं ये मैंने आपको बता दी हैं, तो आप लोग मेन साइट पर जाकर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और अपना नाम जो है वो अच्छे से यहाँ पर वॉच कर लें।